टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज इस समय हम यहाँ मौजूद हैं ब्लॉक ठाकुर द्वारा के किशनपुर गामरी ग्राम पंचायत में। यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट जरीफ मलिक साहब। यहाँ आज हम इनसे बातचीत करेंगे। 5 साल का कार्यकाल लगभग इनका पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। अब तक के बीते हुए समय में इनका किस तरह का योगदान जनता के बीच रहा है, जनता ने इतने स्नेह और सहयोग से यहाँ जिस पद पर इन्हें कार्यभार सौंपा है, कितने जिम्मेदारी से उन्होंने यहाँ इसको निभाया है, आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए बात करते हैं जरीफ मलिक जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। 5 साल का कार्यकाल आपका लगभग पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब तक के बीते हुए समय में क्या भूमिका आपकी रही विकास कार्यों को लेकर के, या आपके क्षेत्र में जितनी पंचायतें लगती हैं, लगभग 42 पंचायतें लगती हैं जानकारी मिली है, उन सभी पंचायतों में किस तरह का विकास कार्य आपके द्वारा करवाया गया? देखिए, मेरे द्वारा इन 5 साल में सरकार समाजवादी की रही, सरकार बीजेपी की चल रही है, दोनों सरकार का मुझे सहयोग मिला है। मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। मैंने राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अब 15 वित्त की योजना शुरू हो गई है। 15 वित्त के हमारे टेंडर क्षेत्र में लगने वाले हैं, उसमें भी हमें एक 25 लाख रुपए का एक रोड मिला है। हमारे गांव किशनपुर गामरी से हाईवे को जोड़ने वाला काम करता है ढेके डिलारी मार्ग। मेरे क्षेत्र में इन 4.5 साल के अंतराल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे कि मेरा कोई भी गांव जो मेरे बाढ़ में पड़ते हैं, कोई भी गांव नहीं बचा है जहां मैंने काम नहीं किया है। मतलब जितने भी पंचायतें लगती हैं, 42 पंचायतें जो लगती हैं, सभी में आपने जो है काम करवाया है। सभी में काम कराया है और एक एक काम को गिना सकता हूं, और एक एक गांव में तीन तीन बार, दो दो बार काम कराए हैं मैंने। और ज़्यादातर मैंने जो सार्वजनिक रास्ते थे, जैसे कि गाँव से कब्रिस्तान और गाँव से शमशान, या गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने वाले या पुलिये, ये सब मैंने जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि जो सामाजिक कार्य, जन हित के कार्य मैंने कराए हैं इन 5 साल। जैसे कि कोई भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पर हो या राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, नेता या जनप्रतिनिधि जो भी रहे हैं, वो एक नेता होने से पहले सामाजिक व्यक्ति रहते हैं। तो सामाजिक तौर पर आपने अपने क्षेत्र में लोगों को क्या योगदान दिया? सामाजिक क्षेत्र में हमने लोगों को जो है, हमारी ये योजनाएं चलती हैं सरकार की, इन सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं, इन योजनाओं का गरीबों तक जो उसके पात्र व्यक्ति हैं योजनाओं का, हमने उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। सरकार की योजनाएं घर घर पहुंचाने का काम किया है हमने। हमने शादी अनुदान में जो है बेटियों की शादी कराई है। सामूहिक जो विवाह प्रोग्राम मुख्यमंत्री कार्यक्रम चलता है, उसमें हमने तमाम बेटियों को पैसा दिलवाया है। हमने वृद्धा पेंशन करवाई है, हमने विधवा पेंशन कराई है। अभी हमारी मीटिंग थी 3 तारीख को, तो हमने किसानों के गन्ने के भुगतान के लिए हमने वहाँ प्रदर्शन किया। हमें मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया 15 दिन में जो है भुगतान करने का। हमें अब एक लेटर जारी हुआ है। एक अपने जो सरकारी या आदेश जो भी होते हैं कार्यों के, उनसे अलग हट करके जनता के बीच भी आपने अपना संपर्क साधा हुआ है सीधा? बिल्कुल, हाँ। अगर बिल्कुल कोई अगर हमें व्यक्ति बुलाता है व्यक्तिगत कार्यक्रम में या सामाजिक कार्यक्रम में, तो हम जाते हैं और जनता के प्रति 24 घंटे हम अपना कार्य करते हैं और हमेशा लगातार जनता के बीच में हम रहते हैं। जैसे कि 42 ग्राम पंचायत आपके वार्ड में लगती हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पहले भी इस पर चुनाव के समय में खड़े हुए होंगे, तो क्या कोई खास कारण रहा, आपकी कुछ खास गतिविधियाँ ऐसी रही हैं कि जनता ने आपको इतना सहयोग दिया, आपको ये जो जिला पंचायत सदस्य में आप विजयी हुए, ऐसी कुछ गतिविधियाँ जनता के साथ आपने रखी हैं जो जनता आपके साथ आज तक टच में बनी हुई है, संपर्क में बनी हुई है, किस तरह का? देखिए, सन 2005 में मेरे फादर ग्राम प्रधान बने थे। 2005 से मैंने 10 तक ग्राम प्रधानी की थी, तो उसी बीच में मैंने अपने गांव में बहुत अच्छा काम किया था और उस काम को, उस विकास को लेकर ही मेरे क्षेत्र ने मुझे याद किया है और मुझे विकास के नाम पर वोट दिया था और मैंने विकास किया है और वो 5 साल ही मेरे लिए कामगार बने हैं और यादगार बने हैं। मैंने ये कह सकते हैं कि एक ग्राम प्रधान के पद पर होकर आपने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, उसका नतीजा मुझे मेरी क्षेत्र ने जो है जिला पंचायत के रूप में दिया है और आज मुझे उम्मीद है आगे भी मुझे ये जनता और ये पूरा जनाधार मिलेगा और इंशाल्लाह मेरी विजयी हमेशा के लिए होगी। तो आगे आने वाले समय के लिए, अब चुनावों की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज हो रही है, लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, उभर उभर कर नए नए कैंडिडेट यहाँ सामने आएंगे भी और आ भी रहे हैं, तो अब आने वाले समय के लिए आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, मुझे तो अपने कार्य पर विश्वास है, जनता पर विश्वास है। मैंने मेरे विकास, मेरे बाढ़ क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 4 में
सबसे ज्यादा विकास हुआ है, क्योंकि मुझे दोनों गवर्नमेंट का फायदा मिला है। मुझे सपा गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा काम दिया था, मुझे बीजेपी गवर्नमेंट ने भी मुझे बहुत ज्यादा काम दिया है, और मेरी तो पहली प्राथमिकता विकास की है। मैंने तो विकास किया है, और विकास के मुद्दे पर जनता मुझे वोट देगी, और जब जनता मुझे वोट देगी तो मैं विजय हूँगा। पिछली बार 2015 से मैं चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुए थे, तो लगभग यहाँ 42-45 कैंडिडेट थे, और मेरा चुनाव बड़ा घमासान का चुनाव था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि मतलब इतने कैंडिडेट हैं मैं जीतूंगा। मैंने केवल एक ही बात है, विकास के नाम पर वोट दिया, और मुझे विकास के नाम पर वोट दिया, और मुझे आगे भी यही उम्मीद है पूरी कि विकास के नाम पर मुझे वोट मिलेगा जी। अब जैसे कि ये जो माहौल अब चल रहा है मौजूदा वक्त में, इस समय देखा जाए तो किसानों की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। इस वक्त तरह तरह की परेशानियाँ उनके सामने आ रही हैं, भुगतान को लेकर हो या फसल को लेकर हो या उनकी फसल के मूल्य को लेकर हो। तो इसमें आपके गाँव की जनता का, आपने बताया कि धरना वगैरह आपने किया है, तो उसका रिजल्ट क्या कुछ मिल पाया है? जैसे आप एडवोकेट भी हैं, युवा जनप्रतिनिधि हैं, तो काफ़ी उम्मीद है यहाँ लोगों को, एक जो रिजल्ट जिसे हम कहें कि कुछ मिला हो ऐसा? मुख्य विकास अधिकारी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन के अंदर अंदर गन्ना भुगतान कराएंगे, और जो कृषि बिल जो है पास हुआ है इसके हम पूरी तरीके से विरोध में हैं, क्योंकि ये बिल जो है ये किसानों के अहित की में पास हुआ है, हित में पास नहीं हुआ है। क्योंकि जो हमारा आज किसान परेशान है, जो गेहूं मंडी ले जाता था, धान मंडी ले जाता था, और वो 2000 रुपये को 1900 रुपये बिकता था, आज वो ही धान हमारा किसान 1400-1300 रुपये बेचने को मजबूर है। तो इसलिए हमें इस चीज़ के बहुत बड़ी पीड़ा है किसानों के प्रति, कि इससे हम इस बिल से हमारे किसानों को नुकसान हुआ है। और मैं तो गन्ने भुगतान की बात कर रहा हूँ, पिछले एक साल से जो है हमारे क्षेत्र में जो गन्ना मिल है इसके द्वारा एक साल से भुगतान नहीं किया गया है, जो किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतनी बात कहूँगा, मेरी बात सरकार तक पहुँचे, कि हमारे किसानों का जो भुगतान बकाया रह गया है उसका ब्याज सहित फैक्ट्री मालिक को जो है किसानों को देना चाहिए, और जल्द से जल्द इसका भुगतान करा देना चाहिए। कोशिशें जारी हैं, मुझे लेटर जारी भी हुआ है वहाँ से। जवाब जो है मुझे सरकार मतलब मुख्य विकास अधिकारी महोदय क्या देते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, जो भी हम अपनी बोर्ड में बात कहते हैं तो वो हमारी बात नोट होती है, उसके जरिए मीटिंग के जरिए वो हमारी कार्रवाई चल रही है। अब हमें क्या जवाब मिलता है, उस हमारे प्रस्ताव पर क्या हमारे अधिकारियों ने किया है, वो मुझे जवाब देंगे। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, इसको लेकर के अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दीपावली का त्यौहार है शांति प्रिय त्यौहार है, हम सभी जाति धर्मों के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, और हमेशा एक ये एक प्यार का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है। ये दिए जलाए जाते हैं खुशी के लिए जलाए जाते हैं, और हमेशा मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ अपने गाँव वासियों से भी, क्षेत्रवासियों से भी, और देशवासियों भी से, कि इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ पूर्व भांति मनाया जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जाए, और जो है अवैध इसमें पटाखे जो है ना फोड़े जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे पटाखों से बचा जाए, जिससे किसी के नुकसान या क्षति होने से बचे। जैसा कि आपने देखा, इस समय हमने यहाँ जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 4 मोहम्मद एडवोकेट जरीफ मलिक जी से बातचीत की है। काफ़ी विकास इस बीते कार्यकाल में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है। अपने वार्ड में लगने वाले लगभग सभी ग्राम पंचायतों में, जो 42 ग्राम पंचायतें यहाँ लगती हैं, सभी में निष्पक्ष रूप से यहाँ पर विकास कार्य इनके द्वारा करवाए गए हैं। ये कहा जाए कि जो जिम्मेदारी, जो कार्यभार जनता ने इनको सौंपा था, उसे पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ इन्होंने अपने इस कार्यकाल में निभाया है। इसके साथ ही यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं जो अलग अलग ग्राम पंचायतों से हैं यहाँ पर। इनसे भी हम कुछ जानकारी लेंगे कि ये बीता हुआ जो समय है किस तरह से बीता है, या क्या योगदान जिला पंचायत सदस्य जरीफ मलिक जी का इनके साथ रहा है, और आगे आने वाले समय में क्या विचारधाराएँ उनकी यहाँ बनी हुई हैं आगे के चुनाव को लेकर के, या आगे आने वाले समय के जनप्रतिनिधि को लेकर के। आइए बात करते हैं जी। सर, नाम बताइए। मोहम्मद रजा एडवोकेट। जी मोहम्मद रजा एडवोकेट जी, आप निवासी कहाँ? किशनपुर गामरी के यहीं के निवासी हैं आप। जो ये 5 साल का कार्यकाल बीता है, इसमें विकास कार्यों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे वार्ड नंबर 4 के जिला पंचायत सदस्य जनाब जरीफ मलिक एडवोकेट साहब, उनकी एक मंशा रही है, वो हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखते हैं, और गंगा जमनी तहजीब वो हमेशा उनकी बनी रहती है, और उन्होंने सभी वर्गों को, चाहे अल्पसंख्यक हों, दलित हों, बहुसंख्यक हों, सभी वर्गों को एक समान रूप से
देखते हैं और हमेशा अगर कोई आदमी किसी भी रूप में उनके पास आता है तो वो ये नहीं कहा भी ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये किसी और बिरादरी का है। हमेशा जो है इनकी यही मंशा रहती है कि कोई भी आदमी मेरे पास जो आया है तो उसकी मदद होनी चाहिए और हमेशा ये तैयार रहते हैं। क्या ऐसा रहा है कि केवल अपनी जो जनप्रतिनिधि होने के नाते, जैसे कि वो जिला पंचायत सदस्य हैं, तो केवल उन्हीं कामों को उन्होंने अंजाम दिया हो, या जनता के जो अगर अपनी कोई समस्या लेकर के आया है उसको कहीं और टाल दिया हो कि उनके जो है वो नहीं इसको करेंगे, इस तरह की कोई? मैडम, ये जिला पंचायत होने के साथ साथ ये एडवोकेट भी हैं और हमेशा से ये कोई भी, मैंने कहा किसी वर्ग का आदमी अगर आता है तो ये उसका मतलब अपने, ये नहीं कि अपनी क्षेत्र का आदमी, अगर किसी दूसरे क्षेत्र का आदमी भी आता है जो वार्ड नंबर 4 के वो हैं ये सदस्य, तो उसके काम के लिए भी ये हमेशा तैयार रहते हैं। और बहुत काफ़ी विकास इन्होंने जो है अपने 40 गांव में, जो भी इनके गांव हैं 40-50, सभी गांव में इन्होंने विकास किया है। मेरा नाम है मिस्टर नफीस अहमद, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य किशनपुर गामड़ी। जी, क्या कहना चाहेंगे सर विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्य हमारे जरीफ अहमद का बहुत बढ़िया रहा है और जो है इन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। जब हमारे गांव में शुरू में ही एंट्री होती है तो बहुत बड़ा गेट इन्होंने बनाया है, जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी नगर पालिका में हमने प्रवेश कर दिया है। इतना बढ़िया, और दोनों साइडों में बहुत बढ़िया पेड़ों का प्रदर्शन किया है, ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी गाँव में नहीं बढ़ रहे हैं, किसी शहर में एंट्री कर रहे हैं। गाँव को विकास गांव में इतना कराया है कि आप उसको गाँव की नज़र से नहीं भी देख रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि किसी जो है नगर पालिका से हम जुड़ गए हैं जी। नगर पालिका जो काम करती है वो काम हमारे गांव में हुआ है। क्या ही ऐसा तो नहीं है कि आप किशनपुर गावनी के निवासी हैं तो यहीं पर इतना विकास हुआ हो, दूसरे किसी गांव में नहीं हुआ या कम हुआ, या कुछ समस्याएं आज भी वहां मौजूद हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक लिकासु बहुत लोगों से, मतलब बहुत नेताओं से इनके संबंध है, जो नेता से बहुत दूर तक नेताओं से संबंध है, तो कई कई विभागों से ये अपना गांव के लिए विकास का कार्य लेकर आए हैं। जो हमारा जो गेट बना हुआ है, ये इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन से विभाग से ये क्या लाना है, इन्होंने खुद सोच के और जो है अलग अलग विभागों से गांव में मतलब काम किया है। कभी अपनी मेहनत से कोई कमी नहीं की और गांव को चमकाने के लिए बहुत कुछ किया है। आगे आने वाले समय के लिए क्या लगता है आपको, किस तरह की प्रतिक्रियाएं रहेंगी यहां जनता के बीच में चुनाव को लेकर? बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहेंगी गांव की इनके लिए, क्योंकि गांव को और भी उम्मीद है। जैसे रात को लाइट की व्यवस्था इन्होंने अब करी है तो वो केवल लाइट से ही है, आगे को जो इनकी सोच ये है कि हम जनरेटर की व्यवस्था करें गांव में, ताकि अगर लाइट चली भी जाए तब भी सोलर प्लांट लगा रहे हैं या जनरेटर की व्यवस्था करें। लाइट अगर गाँव में चली भी जाती है तो ऐसा ना लगे कि लाइट चली गई, पूरे गाँव में रोशनी की व्यवस्था करने की इनकी इच्छाएँ हैं, आगे की तैयारी है इनकी। और जो है जब इस तरह की तैयारी रहेंगी तो गांव को भी उम्मीद है कि, और हमारे गांव का मैं समझता हूं कहीं भी किसी गांव में नगर पालिका की तरह गांव में ट्रैक्टर ट्रलारी से कूड़ा उठता, जो कचरा होता है घरों का, वो सुबह ही एक ट्रैक्टर ट्रलारी घूमती है। तो और वो ट्रैक्टर ट्रलारी जो यहां पर कूड़े कचरे के लिए लगाई गई है वो किसकी तरफ से? वो इन्होंने खुद अपनी तरफ से लगाई है। क्या वो निजी प्रतिदिन नियमित रूप से जो है कचरा इकट्ठा करते हैं? डेली एक ट्रैक्टर ट्रलारी और एक ड्राइवर उस पर चलता है, और उस पर माइक की व्यवस्था है, अलाउंसमेंट होता है कि जिसके पास भी कचरा है वो अपना कचरा ट्रलारी में डाल दे और वो गांव से बाहर कचरा जो है फेंक के आती है। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो विकास के मुद्दों पर इस समय आगे आने वाले समय में चुनाव को जनता देखेगी, या फिर पहले की तरह जो है चुनाव लड़ा जाएगा कि केवल बातों के दम पर लड़ा जा रहा है? आज की डेट में ज़्यादातर साक्षर लोग हैं, और जो है जब साक्षर लोग हैं तो आदमी विकास ही चाहेगा, झगड़ा तो अब चाहता ही नहीं आदमी, विवाद नहीं चाहता, हर आदमी कमाने आगे बढ़ना चाहता, हर आदमी बढ़िया जगह रहना चाहता, बड़े रास्तों पर रहना चाहता और अच्छी स्वच्छ जगह रहना चाहता, इसी वजह से लोग शहर के लिए प्लान कर रहे थे। जब शहर की व्यवस्था गाँव में होगी तो आदमी शहर क्यों जाएगा, गाँव में ही रहना पसंद करेगा, और जब गाँव में रहेगा तो आदमी ये सोचेगा कि हमारा नेता बढ़िया हो। अब जब नेता बढ़िया होगा तो गांव भी बढ़िया होगा। जहाँ जहाँ पर कहीं हमारे गांव में, कहीं पूरे गांव में घूम लो, कहीं पे भी कोई गारे का कोई सिस्टम नहीं होगा, नालियों की सफाई रोज होती है, घर से कूड़ा रोज निकल जाता, तो और इससे बढ़िया क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? अतुल प्रकाश नाम है। कहाँ के निवासी हैं आप? किशनपुर गामड़ी।
जी क्या कहना चाहते हैं विकास कार्यों के लिए? विकास कार्य के बारे में तो कुछ कहना ही ना है, बहुत बढ़िया काम हुआ इनका जब से इनका कार्यकाल चल गया है, शुरू से लेकर अब तक इनका जो है जन सेवाएं में ही लग रहते हैं। हाँ, बढ़िया कार्यकाल रहा है। विकास कार्यों में क्या ऐसा रहा है कि अभी काफी लोगों से हमने बातचीत की है, किशनपुर गांव के निवासी यहाँ पर हैं तो काफी बता रहे हैं कि सहयोग रहा है यहाँ पर, तो इन सब चीजों से आपको क्या लगता है विकास निष्पक्ष रूप से हुआ है या कहीं ऐसा है कि केवल अपने ही आसपास के लोगों में यहाँ जो है इन्होंने सुविधाएं दी हो या योगदान दिया हो, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं, तो यह सब वर्गों के साथ ही मिलकर चलते हैं और सबके साथ ही सबका साथ सबका विकास इनका जो है एजेंडा है। जी जी, आपका नाम बताइए। निजामुद्दीन। कहाँ के निवासी हैं आप? चाऊपुरा। चाऊपुरा जो इसी वार्ड में लगता है। इसी वार्ड में आता। तो विकास कार्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? विकास तो इन्होंने जिला पंचायत सदस्य ने हमारे यहाँ बहुत बढ़िया करा, पूरे क्षेत्र में ही दो दो रास्ते गाँव में दिए हैं, समझ लो कब्रस्तानों से गाँव से कब्रस्तान तरक और गाँव से शमशान तलाक, हर जगह बहुत बढ़िया काम है। मतलब इनके कार्यों से सहमत हैं आप? बहुत बढ़िया सहमत है, मैं नहीं पूरा क्षेत्र सहमत है। अच्छा, क्या ऐसा कभी महसूस हुआ है जैसे कि ये किशनपुर गामड़ी के निवासी रहे हैं तो विकास इन्होंने ज्यादा अपने ही निवास स्थान या निवास ग्राम का कहीं करवाया हो और जो गांव लगते हैं आसपास में उनमें कम विकास हुआ, क्या ऐसा लगता है कहीं? ना ना, ऐसा नहीं है, इन्होंने अपने गाँव में तो इतना प्रधान खुद हैं ये, तो इन्होंने गांव में तो ऐसा कर दिया है अपने के, मतलब शहर में भी नहीं है लेकिन और गांवों में भी ऐसा कर दिया है कि बहुत बढ़िया कर दिया है। जी। अच्छा, आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि जनप्रतिनिधि किस तरह का होना चाहिए, ये विकास कार्यों को देख करके आप जो है डिसाइड करेंगे या कुछ और विचारधारा आपके मन में बदली हुई नजर आ रही है, कुछ ऐसा है? अब ऐसा है कि जिस गाँव में से वोट पहले ऐसे मानो के 100 मिले थे उस गाँव में 200 मिलने की आशा लग रही है, क्योंकि हिंदू मुसलमान इन सब बहुत सहमत हैं, हर जाति, ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान है तो मुसलमान ही है, हिंदू भी इनसे राजी नहीं हुआ कि हर गांव में इन्होंने उनका काम भी इतना ही कराया है, निष्पक्ष काम निष्पक्ष काम। हाँ जी जी, इनके कार्यकाल से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है साहब। आपका नाम बताइए। मुकेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम पंचायत किशनपुर गाँव में। किशनपुर गाँव में जी, विकास कार्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्य ठीक बढ़िया तरीके से हुआ है, विकास के साथ साथ सुरक्षा का काम भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है, कोई मजलूम कोई ऐसा है व्यक्ति अगर इनके पास किसी भी समय पुलिस का या कोई भी किसी भी प्रकार से आधी रात में भी आ जाता है तो उसके साथ जाते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसे जो है सुरक्षा प्रदान कराते हैं। मतलब आपको ये लगता है कि इस जो अभी ये मौजूदा वक्त है इन 5 सालों के बीच में गाँव में अगर कोई झगड़ा या विवाद होता है तो उसमें ही अपना पूरा योगदान देते हैं? उसमें भी हाँ, पूरा उसको सुलह करवाने का पूरा योगदान इनका रहता है, उसमें भी पूरा योगदान देते हैं और इन्होंने कई धार्मिक स्थान ही बनवा दिए, कोई विवाद गांव के अंदर नहीं हुआ, कहीं पूरे इन 40 ग्राम पंचायतों में कोई विवाद नहीं हुआ, कोई विवाद होता है तो अपने स्तर से निपटा देते हैं, उसमें किसी का ये सताने का काम नहीं करते हैं। मतलब जनता इन्हीं से संतुष्ट होकर के जो है रह जाती है, आगे बढ़ने की नौबत नहीं आती है, अपना पूरा योगदान ये देते हैं जनता के साथ में, जनता के साथ रहते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं, इसी वजह से जनता इन्हें मानती है। दूसरे लोग गांव ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ आते हैं, उनकी बात पूर्ण रूप से सुनते हैं, उन्हें उसके उनसे संतुष्ट करते हैं। जी जी, यहाँ जानकारी मिली है कि काफ़ी जो विकास कार्य हैं बहुत ही अच्छे स्तर पर यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य दोनों ही एक परिवार से हैं, तो कुछ सम्मान या कोई अवार्ड इस तरह की कुछ बात भी हमें जानकारी मिली है? हमारे ग्राम पंचायत को 2 बार मुख्यमंत्री अवार्ड मिल चुका है, नाबार्ड में 1 बार उसमें हो गया, तो ये जो लैटिन बनी थी उसमें 1 बार वो हुआ ODF में, 1 बार और 2 बार हमारे मुख्यमंत्री पुरस्कार भी मिल चुका है ग्राम पंचायत को हमारे, और सारे विकास कार्य ठीक बढ़िया तरीके से कराए हैं। क्या लगता है आपको आने वाले समय के लिए किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी? आने वाले समय के लिए जो पिछली बार हुआ था उससे भी अच्छी प्रतिक्रिया रहेगी, उम्मीद है कि ज़्यादा रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा, रिजल्ट बढ़िया रहेगा। एक बात और हम आपको यहाँ बताते चलें कि जो जिला पंचायत सदस्य जरीफ मलिक साहब हैं इन्हीं के परिवार में इनके वालिद साहब यहाँ किशनपुर गामड़ी के ग्राम प्रधान पद पर भी कार्यरत हैं, तो विकास की बात अगर की जाए तो किशनपुर गामड़ी में अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास चरम सीमा पर होना चाहिए, इसमें गाँव के ग्रामीण कितने सहमत हैं इसकी भी हम जानकारी ले लेते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डोरीलाल। जी जी, क्या नाम है आपका? डोरीलाल। कहाँ के निवासी हैं? यहाँ के किशनपुर गामड़ी। किशनपुर गामड़ी के। अब तक का जो कार्यकाल बीता है इसमें विकास कार्यों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया बीता, जब से ये आए हमारे गांव में, ये सब चीज़ें हमारी सुविधा, पहले नंबर पर तो हमारा जो है शमशान घाट
योगी मोमदन होते साथ है, हमारा शमशान घाट बहुत बढ़िया कि दूध उल्लो नहीं है, सब पहला नंबर यो काम है हमारा आगे समय सही है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरीफ जी, जैसे कि आप यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं अभी वर्तमान में, और जानकारी है कि आपके वालिद साहब यहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, तो उसमें भी जाहिर है कि आपका योगदान पूरा पूरा रहा होगा गांव के विकास कार्यों में, तो अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का विकास यहाँ गाँव में किया? देखिए 2015 से लेकर और आज तक हमने वो विकास कार्य किए हैं कि हमारे विकास कार्य से माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुश होकर हमें 2 बार मुख्यमंत्री पुरस्कार से ग्राम पंचायत को नवाजा गया है, और 1 बार हमें ODF पुरस्कार मिला है, क्योंकि हमारी एक ही विचारधारा है केवल विकास। हमने जब 2016 में जब सपा की गवर्नमेंट थी तो हमने गांव के कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई और उसी समय गांव के कब्रिस्तान बनवाए। हमारे गांव के शमशान ऐसे शमशान हैं कि आप जाके देख आएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा चैलेंज है किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसे शमशान नहीं बने हैं। मेरे काम से अधिकारी संतुष्ट होकर मुझे मुख्यमंत्री पुरस्कार दिलाया। मैंने गांव के लिए लाइट की व्यवस्था कराई गई है, निजी कराई गई है, गांव के लिए कूड़ा निस्तारण के लिए, ये कूड़े की कचरा जमा करने की जो ट्रैक्टर ट्रेलारी की व्यवस्था आपने यहाँ कराई है या लाइट की व्यवस्था आपने कराई है, तो ये आपने अपने स्तर पर ही कराई है या ये कहें कि पहले से आपका इस चीज़ में सहयोग रहा है, आपके विचार रहे हैं, या अब केवल जो क्योंकि आगे आने वाला समय फिर से तैयार है इसको लेकर के ये सब किया गया है? देखिए ये हमारी प्लानिंग है, हमारी ग्राम पंचायत छोटी है, हम लोगों से चंदा करते हैं कोई अच्छा काम करने के लिए, लोग हमें सहयोग देते हैं, हम उस सहयोग से जो है हम अच्छा काम कराते हैं। बड़ी ये जनता के सहयोग से, जनता के सहयोग से, जनता के बीच में दिया गया है। आने वाले टाइम में हमने अभी सोलर प्लांट लगा रहे हैं, पानी का टैंकर ला रहे हैं, पानी की टंकी लगानी है, पानी की टंकी का प्रस्ताव दिया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आपको चैनल के माध्यम से बता दें, हमने अपने गाँव में एक रेस्ट होम जो है स्वीकृत करा दिया है, जो कि 80 लाख की लागत से है, वो जिला पंचायत के माध्यम से बन गया है, क्योंकि उसमें शासन की जो इच्छा है कि जो गांव हाईवे से जुड़ा है और अच्छी ग्राम वो जमीन है उपलब्ध है, तो सामने भूमि पड़ी है, तो हमने इसमें रेस्ट होम जो है जिला पंचायत के माध्यम से बन गया है। रेस्ट होम्स का मतलब यह है कि गेस्ट हाउस, अगर गांव के कोई भी मेहमान आता है तो उसमें रुकेगा, गेस्ट हाउस अधिकारी वहाँ पर रुके करेंगे, बहुत अच्छा होगा, और पूरी प्रक्रिया जो है उसकी तैयार है और काम शुरू होगा, और आने वाले टाइम में भी हमने इतनी प्लानिंग की है अपने गांव के लिए, जैसे कि सोलर प्लांट है, कूड़ा निस्तारण ODF प्लस पर हमें काम करना है, जैसे कि हम कूड़ा निस्तारण करेंगे, एक पानी का टैंकर देना है जिससे ग्राम पंचायत को आमदनी वाले समय के लिए आपने जो है एक हमारी सबसे विशेष योजना है गांव को वाईफाई फ्री देने की, भी हम वाईफाई लगाएं जिससे गांव को वाईफाई फ्री मिलेगी, जिससे युवाओं में एक पढ़ाई का क्रेज बनेगा। हमने जिला पंचायत की भूमि पड़ी थी यहाँ किशनपुर गामड़ी में, तो जिला पंचायत की भूमि को भी मैंने खेल के मैदान में कन्वर्ट करा दिया है गाँव के युवाओं के लिए, समझ लो, तो हमें खेल का मैदान भी यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, भूमि हमें प्राप्त हो गई है, हमने बहुत सारी प्रक्रिया है अपने गाँव के लिए, हम ही चाहते हैं गांव का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा, जब देश का विकास होगा तो हमारी आम जनता का विकास होगा। थैंक यू। काफ़ी अच्छी विचारधारा यहां जिला पंचायत सदस्य जरीफ मलिक जी रखते हैं आगे आने वाले समय के लिए भी, और अब तक के बीते हुए समय में भी जो विकास कार्य यहां करवाए गए हैं काफ़ी सराहनीय कार्य उनमें हैं, जिनमें से जो कूड़ा कचरा जमा करने की एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो उन्होंने अपनी तरफ से लगाई है, इसके साथ ही यहाँ लाइट की जो सुविधा यहाँ लोगों को दी गई है वो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। जनता के बीच जनता के ही सहयोग से जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का अगर वर्णन किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी विकास को लेकर के अगर कहा जाए तो विकास चरम सीमा पर है। एक हम कह सकते हैं कि जिस तरह से शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना सरकार का रहता है, उसी तरह से यहाँ पर स्मार्ट विलेज बनाने का अगर देखा जाए तो सपना यहाँ लगभग लगभग साकार होने की परिस्थिति में है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी जनता का इसी तरह का स्नेह और सहयोग यहाँ इनके साथ रहेगा। अब देखना ये है कि आने वाले समय में इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसा मिलेगा। बाकी यहाँ जो जनता से हमने बातचीत की है उसे लगता है कि अच्छा सहयोग यहाँ इनके साथ रहा है, क्योंकि जनता भी साक्षर हो चुकी है और विकास को महत्ता देने के और प्राथमिकता देने के ही विचार उनके रहते हैं। अशरफ अली के साथ में नाज़रीन, टुडे 24।